हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने वाला चार्जर। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 7805 IC, और दोस्तों इसके बाद चाहिए होगा हमें एक कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। इसकी वैल्यू दोस्तों 16 वोल्ट और 470 UF है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ISO को ले लेना है। ISO को लेने के बाद दोस्तों, हमें इसकी तीनों लैगों को थोड़ा अलग अलग कर लेना है। और दोस्तों, हमें एक वायर और ले लेना है। इस वायर को दोस्तों हमें IC की लेफ्ट वाली लैग पर अच्छे से सोल्डिंग कर देनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों, हमें कैपेसिटर ले लेना है, और कैपेसिटर को की माइनस वाली लैग को दोस्तों IC के बीच वाली लैग पर अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। और दोस्तों, इसकी प्लस वाली लैग को IC की राइट वाली लैग पर सोल्डिंग कर देना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अच्छे से सोल्डिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें दो वायर एक साथ जोड़ कर ले लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वायर को दोस्तों हमें IC के बीच वाली लैग पर शोल्डिंग कर देनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर शोल्डिंग कर दी है। और दोस्तों, हमें एक वायर और लेनी है। इस वायर को दोस्तों हमें IC की राइट वाली लैग पर शोल्डिंग कर देनी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर भी अच्छे से शोल्डिंग कर दी है। तो दोस्तों, हमारा पूरा सर्किट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जो इसकी लेफ्ट वाला लैग है वो दोस्तों इनपुट होगी, और इसकी बीच वाला है दोस्तों माइनस होगा इनपुट का। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बैटरी की वायर ले ली है दोस्तों, जो कि 12 वोल्ट है। मैं आपको मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी वायर में 12 वोल्ट सप्लाई है दोस्तों। इसके बाद हम इसकी लेफ्ट वाली लैग पर दोस्तों बैटरी का प्लस की वायर जोड़ देंगे, और इसकी बीच वाली एक वायर में से दोस्तों बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, जो इसकी राइट वाली लग है दोस्तों, वो हमारी प्लस की होगी, और बीच वाली जो सी एक वायर बची है दोस्तों, वो हमारी माइनस होगी। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।